सकता हूं कि एक गैंगस्टर जिसकी 29 साल उम्र है, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, ये तमाम पुलिस उस लॉरेंस बिश्नोई पर सर्वेलेंस लगाए हुए हैं, फिर भी वो 10-10 करोड़ रुपए की फिरौती ले लेता है। ये एक बड़ा चैलेंज है जो मैं सवाल उठा रहा हूं और पुलिस को ये सोचने की भी जरूरत है। लॉरेंस बिश्नोई से मैंने बात करी थी जाके, तो चार्ज लेने के बाद, तो 5 फुट 5 इंच की हाइट है, 50 किलो वजन है, और हम वैसे ग्लोरीफाई कर देते हैं कि गैंगस्टर्स कह लें जी, इस तरह के शब्द, शार्प शूटर्स हैं, मार्क्समैन है, तो मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया को कि थोड़ा सा हम डीग्लोरिफिकेशन करें, हम थोड़ा सा मतलब इस तरह के शब्द यूज करते हैं, एके से यूज कर रहे हैं, तो ये कैसे खतरनाक नहीं है, कैसे ये कुख्यात नहीं है, ये तो सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सवाल पुलिस पे है ये कि जेल से एक आदमी 10 करोड़ रुपए की फिरौती, मतलब मोटा मोटा मैंने जो हिसाब देखा है उसका, वो पिछले 2-3 साल में 10 करोड़ की फिरौती ले चुका है, 225 करोड़ रुपए के हथियार मंगाए। मैं पूरी तरह मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, पर एग्जैजरेशन भी होता है क्योंकि कई चीजें मैं शेयर नहीं कर सकता जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, तो मैं अमाउंट में या इन चीजों में नहीं जाऊंगा, बट डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एग्जैजरेटेड। अकेला थोड़ी हूं, मुश्किलें हैं मेरे साथ। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम अदाओं को हम जानते हैं, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो।